बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यूनिक फूड किचन। उम्मीद करती हूँ ये ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट किस्म के चिकन रोल्स। उसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। डो के लिए हमें चाहिए होगा ईस्ट 1 टेबल स्पून, शुगर चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, 1 कप दूध चाहिए होगा नीम गर्म, मैदा 2 कप चाहिए छान लिया हुआ है, और कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। ये तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम डो बनाएंगे। स्टफिंग के लिए हमें चाहिएगा चिकन 250 ग्राम, और स्पाइसेस जो जाएंगे उनमें है 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और थोड़ा सा धनिया चाहिए होगा, प्याज है चॉप किया हुआ, हरी मिर्च और प्याज चॉप किया हुआ, और 2-3 जवे लहसुन के चॉप किए हुए। तो सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिव करेंगे और फिर डो बनाएंगे। ईस्ट को एक्टिव कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूं। शुगर और ईस्ट जो है वो दूध में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हिला देना। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे हम और देखते हैं कि ईस्ट एक्टिव होता है या नहीं। जी, हमने ईस्ट जो है वो रख दिया था एक्टिव होने के लिए। ये देखें, ये इसके ऊपर झाग आ गई है, इसका मतलब है कि ये ईस्ट जो है वो सही था और एक्टिव हो गया। अगर ये ऊपर झाग ना आए तो समझें कि आपका ईस्ट जो है वो एक्सपायरी हुआ है और आपको दूसरा ईस्ट लेना पड़ेगा। तो अभी हम डो बनाएंगे। जी, तो डो बनाना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं इसमें। ईस्ट जो हमने एक्टिव कर लिए दूध में वो डाल लेंगे। बैटर डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इसको इसी की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हाथों से गूंद लेंगे। ये देखेंगे अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसको हाथों से गूंदूंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो आप नीम गर्म पानी ऐड करेंगे, वरना ये अच्छा सा सॉफ्ट सा बन गया। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने हाथों को लगाया और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा ये सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला, बस ये दरमियाना सा होना चाहिए। इससे फिर आपके रोल जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इस तक गूंदने के बाद एक बाउल में कुकिंग ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, और फिर इसको डाल के रख देंगे। 1-1.5 घंटे के लिए हम रखेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह रख के इसको एयर टाइट बंद कर देना। ये क्लिंग रैप आप लगा देंगे इस पे। ये देखें जी, इस तरह से बंद करके इसको 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। फिर ये अच्छा सा राइज हो जाएगा तो फिर रोल बनेंगे। तब तक इसकी जो स्टफिंग है चिकन की वो हम रेडी कर लेते हैं। जी, स्टफिंग के लिए हम पहले चूल्हा चलाएंगे, जो कीमा हमने बनाना है पैन रखेंगे और ऑयल डालेंगे। इसमें लहसुन डालेंगे पहले, अभी हम रोल की स्टफिंग बनाने जा रहे हैं। लहसुन थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। अब इसमें प्याज डाल देंगे और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी चॉप की हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि इसे हमें स्टफ़ करना है, तो ऑयल ज़्यादा होगा तो फिर वो रोल में रोल करने में तंग करेगा। फिर ऑयल बिल्कुल आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून डालना। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ऐसे थोड़ा नरम हो जाए जब छोटे हो। तो इसमें चिकन डाल दूंगी मैं। इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, नमक, मिर्चें, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले जब ऐसे थोड़े मिक्स हो जाएं तो इसमें थोड़ा पानी डाल के
इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से बंद करेंगे, चिकन थोड़ा गल जाए। वैसे तो चिकन जल्दी गल जाता है, थोड़ा मसाला भी इसमें रच बस जाए, तो इसलिए इसको बंद करेंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डालेंगे इसमें। चिकन हमारा गल चुका है, बस इसमें केचप डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून। अगर आप इसमें शिमला मिर्च बंद गोभी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और हरी प्याज डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन जब कीमा ठंडा हो जाए तो फिर आपने वेजेस डाल के उस रोल में करना, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। आगे अब हम इसे ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जी तो देखें हमारी डो बहुत अच्छी सी राइज हो गई है। अब मैं इसको से खोलूँगी और दिखाती हूँ कि ये इसमें से सारी एयर निकाल लेनी है और वापस इसको इसकी शक्ल में ले आना। अब हम इसके रोल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं स्टोन ओवन में ये बनाऊँगी, और स्टोन ओवन कैसा होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये देखें, ये मेरा स्टोन ओवन है, ये एक बड़ा सा पतीला है और इसके अंदर मैंने ये कंक्रीट डाली हुई है। कंक्रीट मैंने धो के डाली है, कोई गंदी वाली कंक्रीट नहीं है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के, और ये पतीला मैंने बेकिंग के लिए ही रखा हुआ है। तो मैं इसमें सारी बेकिंग करती हूँ आज, इंशाल्लाह आपको रोल बीसी में बेक करके दिखाऊंगी। तो पहले हम चूल्हा जला देंगे और इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। चलें जी शुरू करते हैं रोल बनाने। ये देखें डो को मैंने ऐसे कट कर लिए, डिवाइड कर लिए बहुत सारे हिस्सों में, और अब हम इसको बेल के इसमें कीमा स्टफ करेंगे। इस तरह छोटे छोटे बॉल बना लेने पहले, जिस पे आपने रोल बेक करने हैं पहले उसको ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। कोई भी आप बेकिंग वाली प्लेट ले लें, नहीं है तो आप मेरी तरह इस तरह से स्टील वाला ढक्कन ले लें जो घर में फालतू हो, तो उस पर आप बेक कर सकते हैं। इस तरह से ग्रीस कर लेना। स्टफिंग डालेंगे, बहुत बड़ी रोल नहीं बनानी, बस नॉर्मल साइज छोटे छोटे रोल बनाने हैं हमने, और फिर उसको हाफ रोल करना है। फिर आप इसकी मदद से पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं, इसको इजीली हो जाएगा। किचन बहुत गर्म हुआ है तो इसलिए डो भी बहुत ढीली हो गई है। इस तरह से आप ये देखें, ये ज़रा अच्छा सा बना है। ये देखें जी, ये सारे रोल मैंने बना लिए हैं। अब इनको 5 मिनट रेस्ट दें और फिर इनको बेक होने के लिए रखेंगे ऊपर से, और फिर 5 मिनट बाद हम इनको बेक कर लिए रखें। 5 मिनट हो गए हैं और ये थोड़े फूल चुके हैं, अब इन पे अंडा ब्रश करेंगे। ये अंडे की जर्दी है और इसमें थोड़ा मैंने दूध ऐड किया, इस पे डालेंगे और इसको बेक होने रखेंगे। चलें आप इसको स्टोन ओवन में डालते हैं। ये देखें जी, हमारा ओवन गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ले रही हूँ, ये बहुत गर्म होता है इसलिए ध्यान से आपने रखना है। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे, अगर कुछ थोड़ा फर्क रहा तो फिर 5 मिनट और दे देंगे। ये देखें जी, हमारे रोल जो हैं वो अच्छे से बन गए हैं, बस 2 मिनट और इनको देंगे फिर इनको निकालेंगे, अच्छे से पक गए हैं ये, थोड़ा कलर और आ जाएगा। देखें जी हमारे रोल बेक हो चुके हैं और शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखें ब्राउन कलर भी आ गए इन पे। और अभी थोड़े ठंडे हो जाएं तो फिर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें सॉफ्ट भी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखें जी हमारे चिकन रोल रेडी हैं, इनको आप चिकन रोल कह सकते हैं, चिकन रिंग्स कह सकते हैं, ये देखें चिकन क्रोसेंट्स कह सकते हैं, जो भी नाम लेना चाहे, बहुत मज़े के लग रहे हैं। और मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट बने, ये देखें अंदर से ये देखें,
और आप लोग भी बनाएं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।